त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर को समर्पित मानी गई है। ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अप्रैल माह का दूसरा प्रदोष व्रत 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार को है। रविवार होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में अप्रैल के महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि, प्रदोष पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2024 में अप्रैल महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार को है। प्रदोष पूजा का मुहूर्त शाम को 6:51 से रात्रि 9:02 पर, कुल अवधि 2 घंटा 12 मिनट की। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 20 अप्रैल 2024 को रात्रि 10:41 पे हो रहा है और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 22 अप्रैल 2024 को सुबह 1:11 पर। शास्त्रों में शिव जी को शनि देव की आराध्य माना गया है, इसलिए शनि प्रदोष शिव जी की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शनि के अशुभ प्रभाव से भी राहत मिलती है। मान्यता तो यह भी है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। प्रदोष काल का धार्मिक महत्व, किसी भी दिन सूर्य के सूर्यास्त और रात्रि के संधि काल को प्रदोष काल कहा जाता है। जिस प्रदोष काल को भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना गया है, उसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि इस काल में भगवान शिव ने विष का पान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। मान्यता यह भी है कि इसी प्रदोष काल में देवों के महादेव कैलाश पर्वत में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। मान्यता यह भी है कि एक बार चंद्र देवता को 6 रोग हो गया था और भगवान शिव ने उन्हें इससे जिस दिन मुक्ति दिलाई थी वह त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष वाला दिन था। प्रदोष व्रत की पूजा विधि, भगवान शिव की साधना से जुड़े इस व्रत को करने के लिए त्रयोदशी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर भगवान शिव को गंगा जल और पंचामृत आदि से अभिषेक करने के बाद विधि विधान से पूजन करना चाहिए। दिन में शिव मंत्रों का मनन करते हुए सायंकाल एक बार फिर सूर्यास्त से पहले स्नान करके प्रदोष काल में भगवान शिव का सोरसो उपचार तरीके से पूजन करें, कथा वाचन करना चाहिए। इसके पश्चात शिव जी की आरती प्रसाद वितरण करने के बाद सबसे अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत करा करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियाँ दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाँव में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे। बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई था। जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। जय भोलेनाथ।